नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी वस्तुओं से निर्भरता घटाने और घरेलू निर्माण से ध्यान देने का सद्दा दिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुर्गा पूजा को यूनैसको की मानता मिलना पूरे देश लिए एक माण वाली गल है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब ने आप नूं फतवा इसलिए नहीं दिता सी कि बाहर दे लोक आके सूबे दी सरकार चलाउण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 लिए खेडां दा शुभकर लोगो जर्सी अते थीम सोंग अज पंचकूला तो लॉन्च किया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अज पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि भारत ना सिर्फ अपनी पूरी समर्था नाल अगे वध रहा है सगों विश्व कल्याण के मंतव नूं भी पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच स्पष्ट है अते आत्मनिर्भर भारत साडा टीचा है। पुणे विच जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वल्लों करवाए गए जीटो कनैक्ट ग्लोबल समिट के उद्घाटनी समारोह नूं वर्चुअल ढंग नाल संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने यह गल आखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया की खुशहाली सारे नूं जोड़दी है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का विशा टूगैदर टूवर्ड्स टूमोरो अजोके हालात में बहुत सार्थक है। जैन भाईचारे और जीतो कनैक्ट के नौजवानों की शलाघा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने वोकल फॉर लोकल की नीति अपनाने का सद्दा दिता। आप जैसे जागरूक समाज के नागरिक या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो, एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, एरियाज ऑफ कंसर्न चाहे जो भी हो, विचारों में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, लेकिन नए भारत का उदय सभी को जोड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दुर्गा पूजा को संयुक्त राष्ट्र विद्यक विज्ञानिक और सभ्याचारक संगठन यानी यूनैसको वालों दी गई मानता ना सिर्फ बंगाल लई सगों पूरे देश लई माण वाली गल है। गृहमंत्री कल शाम कोलकाता के विक्टोरिया मैमोरियल में दुर्गा पूजा की इस उपलब्धि के संबंध में करवाए गए एक समागम दौरान बोल रहे सन। अमित शाह ने कहा कि साडे देश की संस्कृति की हमेशा पूरी दुनिया शलाघा करती है। 70 साल जब हम मना रहे, तब देश की आजादी को जब 100 साल होंगे, तब देश विश्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर हर क्षेत्र के अंदर विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर जाए, ऐसे लक्ष्यों को तय करना और 25 साल के प्रचंड पुरुषार्थ से, सामूहिक पुरुषार्थ से, 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प से भारत को जब 2047 का साल आए, तब दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर देखने का, हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न को पूर्ण करना। भारतीय जनता पार्टी के नौजवान आगू तेजिंद्रपाल सिंह बग्गा नूं हरियाणा की अदालत वालों जमानत मिलने मगरों रिहा कर दिया गया है। इस तों बाद वो दिल्ली च घर परत आए ने। बग्गा नूं बीती अद्धी रात के करीब मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के गुड़गांव स्थित रिहायश से पेश किया गया सी। मैजिस्ट्रेट ने उसनों रिहा कर दिता और घर जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने दिल्ली पुलिस नूं बग्गा और उसके पिता लई लोड़ींदी सुरक्षा यकीनी बनाने लई भी कहा है। पंजाब पुलिस टीम वालों बग्गा नूं केजरीवाल के खिलाफ कथित बयानबाजी लई कल सवेरे घरों चुक लैके लैके जाने तों बाद उसके पिता प्रितपाल ने पछमी दिल्ली के जनकपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि बग्गा नूं अगवा कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है तो दोषियों हर हीले सजा दी जाएगी। इस मामले में बग्गा के खिलाफ मोहाली साइबर क्राइम ने एक केस दर्ज किया। रिहाई तो बाद घर परते बग्गा ने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं डरनगे। बग्गा ने हरियाणा दिल्ली पुलिस अते उन्हां दा समर्थन करन वाले BJP वर्करां दा धन्नवाद कीता। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने BJP दे नौजवान आगू तेजिंद्रपाल सिंह बग्गा ते उसके परिवारिक मैंबरां नाल कीते गए कथित धक्केशाही वाले वतीरे की निंदा की है। उन्होंने पत्रकारों वालों इस मुद्दे से पुछे गए सवाल का जवाब दिंदिआं कहा कि अराजकता का दूजा नाम आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने आप नूं फतवा इसलिए नहीं दिता सी कि बाहर दे लोक आके पंजाब दी सरकार चलाउण। उन्होंने मुख्यमंत्री नूं सलाह दी कि मान जी शान पगड़ी विच पगड़ी भी संभालो ते पंजाब दी शान कायम रखो। आम आदमी पार्टी के बारे में पहले से ही कहा जाता था कि अराजकता का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी है।
और जहां पुलिस पावर मिली नहीं उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। किसी के वृद्ध पिता के साथ धक्का मुक्की करनी, मारपिटाई करनी, बगैर स्थानीय पुलिस को सूचना दिए उठाकर ले जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि इनकी मंशा कुछ और है। और मैं तो ये कहूँगा पंजाब के मुख्यमंत्री जी, लोगों ने आपको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है पंजाब को आगे ले जाने का। जो आपने वायदे बड़े बड़े किए थे, आप पंजाब में कम बाहर समय ज़्यादा बिता रहे हैं और बाहर वाले आके पंजाब की सरकार चला रहे हैं, ये पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। कहते हैं ना, शान पगड़ी में है, तो पगड़ी भी संभालने, शान भी बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब की शान का सवाल है। पंजाब पुलिस को राजनीतिक रूप से उपयोग करने के लिए ये ना उचित है। BSF ने अमृतसर सैक्टर विच कौमांतरी सराते हैरोइन का एक पैकेट फड़ाए, इस दा वजन 510 ग्राम है। BSF वालों इलाके की छानबीन की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा दस्तों नाल होए एक मुकाबले दौरान 3 अतवादियों ढेर कर दिता गया है। दक्षण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम जंगली खेत्र सिरचंद टॉप से सुरक्षा दस्तों को अतवादियों के लुके होने की सूह मिली, जिस मगरों इलाके की घेराबंदी करके पुण छाण का काम शुरू किया गया। अतवादियों वालों सुरक्षा दस्तों से गोलीबारी किए जाने के बाद यह मुकाबला शुरू होया। मारे गए अतवादियों में एक की पछाण अतवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चोटी के कमांडर अशरफ मौलवी के तौर पर हुई है। 57 वर्ष का मौलवी दक्षण कश्मीर सब तो लंबे समय तो सरगर्म सी। साल 2000 च उसने पाकिस्तान तो हथियारों की सिखलाई हासिल की सी। इस दौरान बारामूला सुरक्षा दस्तों ने अतवादी संगठन लश्कर तोयबा के एक अतवादी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोवों की पछाण बारामूला के वसनीक आशिक हुसैन लोन और उजैर अमीन के तौर पर हुई है। फौज की उत्तरी कमान के मुखी लैफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि गोलीबंदी तो सरहद से स्थिति आम वांग है, पर पाकिस्तान घुसपैठ के हथकंडों तो बाज नहीं आ रहा। सरहद पार 6 वड्डे अते 29 छोटे अतवादी सिखलाई कैंप सरगर्म ने। आरजी लॉन्च पैड तो 200 अतवादी घुसपैठ की कोशिश विच ने। उन्होंने दस्या कि इस काम विच पाकिस्तानी फौज और होर एजेंसियां मदद कर रही ने अते भारत के अंदरूनी इलाकों घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। जंगल, बर्फ न लदे पहाड़ा और कौमांतरी सरहद राही जम्मू, पंजाब और नेपाल तो अतवादियों भारत भेजने के यतन किए जा रहे हैं। पत्रकारों नाल गलबात करदे कोर कमांडर ने कहा कि मौजूदा समय में लद्दाख असल कंट्रोल रेखा से स्थिति आम वांग है, पर फिर भी घाटी फौज चौकस है, वड्डी गिनती तैनात की गई है और चौकसी रखने वाले उपकरण लगाए गए हैं। किसी भी स्थिति का टाकरा करने लिए तैयारी पहले तो ही की जा रही है। इस अलावा चीन नाल गलबात भी लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाए जाने तो बाद हुण आम लोग तिरंगे नूं लहराउणा इक माण दी गल मनदे ने। लैफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि फौज वालों होर सुरक्षा दस्तें की मदद नाल घुसपैठियों का सफाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा लई फौज हर वार की तरह इस वार भी सुरक्षा के पुख्त इंतजाम यकीनी बनाने लई जुटी हुई है। उत्तरी कमान के मुखी ने कहा कि अतवादियों को अफगानिस्तान च अमरीका वालों छड़े गए तैयार पुज रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों युवा और किशोर वर्ग को गुमराह किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर विचली 2 मंजिला इमारत अग लगन नाल 7 व्यक्तियों की झुलस के मौत हो गई है। अग बुझाऊ दस्ते के एक बुलारे ने दसा कि राहत और बचाव कार्य जारी ने, अजे भी इस इमारत कुछ लोगों के फसे होने की संभावना है। दूजे पासे उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रैस वे से हरदोई के संडीला खेत्र च रहने वाले परिवार के नोएडा तो घर वापस परतदे कण पछाती गड्डी नाल हुई टक्कर च कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वाले में 3 मर्द, 3 औरतां ते 1 बच्चा शामिल है। केंद्रीय वणज ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ते इटली कोल सैर सपाटा, डिजाइन, डिजिटल खेत्र, सेवावां, अवस्था ते सिक्ख्या समेत कई होरना खेत्रां सहयोग वधाउण ते माली समझौतियां नूं हुलारा देण दे कई वड्डे मौके ने। इटली दे विदेश मंत्री लुई दी मियो नाल भारत इटली कारोबार संबंधी गोलमेज गलबात दौरान उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया के किसी भी देश नाल वध मौके ने। उन्होंने आस पटाई कि भारत 10 साल अंदर 3 खरब के अर्थचारे तो 10 खरब का और 20 साल दौरान 30 खरब का अर्थचारा बन जाएगा। इस दौरान कई तालवी कंपनियां ने भारत च कारोबारी भाईवाली करने की इच्छा प्रगटाई। इटली के विदेश मंत्री ने दसा कि इस वेले 600 तो वध इटली दी कंपनियां भारत काम कर रही ने, जिन्हां विच 50,000 तो वध भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं। मगरों नवी दिल्ली च इंडियन मर्चेंट चैंबर इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के उद्घाटनी सैशन में वर्चुअल ढंग नाल संबोधन करदे वणज मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बरामद का रुझान दर्शाता है कि देश हौली हौली उच्च पद्धरी और उच्च तकनोलॉजी निर्माण वाला अर्थचारा बन वल वध रहा है। इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रहा, तुसी भी बाहर जाने वेले मास्क लगा के जाओ। नमस्कार।